ক্যাটালগ, পুরো ক্যাটালগের মাধ্যমে ডিজাইন করা আছে। আই ডোন্ট আই ইলেকট্রিক 3 লাখ। तो कितने तारीख को उद्घाटन हो रहा है संतोष मित्रा स्क्वायर के पैंडल? इस बार दुर्गा पूजा 2024 में यहां पर बन रहा है द स्फीयर बिल्डिंग। क्या दुर्गा पूजा 2024 में द स्फीयर यानी कि ये पैंडल सभी पैंडलों को पीछे छोड़ पाएगा? सो हेलो, वेलकम बैक, नमस्कार और जय श्री राम। मेरा नाम है प्रियांशु एंड वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। वीडियो ऑफ संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा 2024। सो नाउ फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं संतोष मित्रा स्क्वायर पार्क कहे जाने वाले या कहे जाए तो लेबुतल्ला पार्क कहे जाने वाले इस ग्राउंड में, जहां पर हर साल दुर्गा पूजा पैंडल तैयार किया जाता है। 2023 में यह पैंडल इतना ही ज़्यादा खतरनाक हुआ था यहां पर, जो कि बनाया गया था अयोध्या का राम मंदिर। उद्घाटन से पहले राम मंदिर तैयार करने के कारण यहाँ पर, मतलब कोलकाता में छोड़ो यार, पूरे देश भर से लोग आए थे और खुद होम मिनिस्टर यहाँ पर आके इस पैंडल का उद्घाटन कर रहे थे। इस बार दुर्गा पूजा 2024 में यहाँ पर बन रहा है द स्फीयर बिल्डिंग। द स्फीयर बिल्डिंग बोले तो ये अमेरिका का लास वेगास में लोकेटेड एक बिल्डिंग है, जो कि 3D लाइटनिंग्स वगैरह से मतलब शो होती है। बट यहाँ पर जो खेला करा जाने वाला है इस बार लाइट्स का, वो कुछ देखने लायक होगा। शायद ये पैंडल इस बार कोलकाता दुर्गा पूजा 2024 में सबसे टॉप पैंडल भी साबित हो। उस टाइम लगभग जब 2-3 हफ्तों पहले मैं आया था, तो उस टाइम इस पैंडल का काम उतना ज़्यादा आगे नहीं था, लेकिन अभी अगर बात करें तो पैंडल का काम बहुत ही ज़्यादा आगे हो चुका है। प्लाईवुड का बेस स्ट्रक्चर तो पूरा तैयार है, ऊपर से जो भी कार्डबोर्ड की काम करी गई है और उसमें डिजाइन स्ट्रक्चर्स करे जा रहे हैं। लाइट कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिजाइन लगाना है, तो लाइट का काम बस मतलब मात्र बाकी रह गया है, क्योंकि लाइट का काम होने के बाद ये पैंडल को ज़्यादा ही मतलब आइटम लगने वाला है। यार सीधी कहूँ तो मैं अपने लैंग्वेज में, आप देखो लाइट का काम यहाँ भी अभी हो ही रहा है, मतलब कि ड्रिलिंग करी जा रही है, ड्रिलिंग करके ही इसमें लाइट्स बैठाई जाएंगी और सारी की सारी ना स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं कहाँ पर कैसे कैसे ड्रिल करना है, क्योंकि लाइट्स बहुत ही ज़्यादा लगने वाली है, लाखों लाखों लाइट्स इसमें लगने वाली है। और सबसे यूनिक इस पैंडल की बात इस बार ये होने वाली है ना, कि ये पैंडल ना 4 वक्त में, मतलब 4 पहर होते हैं ना, सुबह, दोपहर, शाम और रात, उन 4 पहर में 4 टाइप की लाइट्स जलेंगे इस पैंडल के ऊपर। और उस टाइम पे जब मैं आया था तो वो जो लोहे के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको नीचे में, देखो आप लोहे के स्ट्रक्चर्स ऐसे दिख रहे हैं वेल्डिंग करने के, तो अंदर में जो बांस के स्ट्रक्चर्स तैयार करे गए थे उसके बाहर से बस थोड़ा सा ये तैयार करा गया था लोहे का स्ट्रक्चर। जब मैं लास्ट टाइम आया था वहाँ पर लोहे से वेल्डिंग्स करी जा रही थी, बट इस टाइम पर अब भी ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है पैंडल के रूप में, और अब इस पर सिर्फ लाइट्स की वर्क बाकी रह गई है। लाइट्स की काम की तो बात मतलब आपको दिखाऊँगा ही, बट अभी लाइट्स के जो हमारे मतलब यहाँ के मेन वर्कर हैं उनकी कुछ बातें आपको सुनवाता हूँ, क्या बता रहे हैं वो पैंडल के लाइट्स को लेकर, कि पैंडल पर कैसी लाइट्स होने वाली है और कितनी लाइट्स लगेंगी। बहुत ही ज़्यादा लाइट लगने वाली है यार, बहुत ही ज़्यादा। শুনে হচ্ছে কোন ক্ল্যাম্প সিস্টেম আছে, প্লাস্টিকের ক্ল্যাম্প আছে, স্ক্রু দিয়ে ফিট করে তারপর পরে বসানো হচ্ছে, পরে একটা পেন্সিল ড্রয়িং করে নিচ্ছে, মাপটা করে নাও হচ্ছে, এই পয়েন্টটাকে এইভাবে হবে, তে ক্যাটালগ, পুরো ক্যাটালগ মাধ্যমে ডিজাইন করা আছে। আই ডোন্ট আই ইলেকট্রিক 3 লাখ, ইলেকট্রিক ডিল করে স্ক্রু দিয়ে ফুটো করে লাগানো হচ্ছে, একটা একটা লাইটে চার রকম ডিজাইন আছে। अभी भी पैंडल से रिलेटेड बहुत सारी कार्डबोर्ड के काम बाकी है, वहाँ पे अभी भी कार्डबोर्ड्स की काम चल रही है, और कार्डबोर्ड के काम के बाद आपको चीज़ें कुछ अंदर भी जाके दिखाने का ट्राई करूँगा, क्योंकि अंदर में बहुत सारे लोग हैं, पैंडल के इंटीरियर का वर्क हो रहा है तो मुझे थोड़ी अजीब लग रही है, ऑकवर्ड लग रहा है अंदर जाने में, बट मैं ट्राई करूँगा अंदर जाके आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊँ जिससे पैंडल के इंटीरियर में क्या काम हुआ है। क्योंकि मैं जब पहली बार आया था यहाँ पर पैंडल बनने के स्टार्ट होने के बाद, तो यहाँ पर पैंडल में ना अंदर की साइड में कुछ नहीं था, सिर्फ मतलब बेस स्ट्रक्चर बांसों का तैयार था और चारों तरफ से बाहर से वेल्डिंग्स करी जा रही थी लोहे की, आयरन्स की। बट अब अंदर क्या हुआ है ये मुझे भी अभी जाने के बाद पता चलेगा, क्योंकि मैं भी अभी एंट्री नहीं करा अंदर। 2023 दुर्गा पूजा में इस
मंडप के सामने, मतलब यहाँ पर आपको दिखा था राम मंदिर दुर्गा पूजा पैंडल के तौर पे। और राम मंदिर में जाने के लिए चारों तरफ आपको, मतलब रास्ते में जो ऐसे यहाँ से एंट्री करना था शायद, इधर से ही कहीं एंट्री था शायद, और यहाँ से एंट्री करने के वक्त ना आपको बैरिकेडिंग मतलब ईंटों की दिखती थी, नीचे से बाउंड्री वॉल करा हुआ था जिससे कि थोड़ा साज सजावट करा जा सके। और इस बार भी मतलब ऐसी बैरिकेडिंग करने के लिए साइड से बाउंड्रीज देने के लिए ईंटें मंगा लिए गए हैं। और ये ईंटें लगभग 5-6 हज़ार ईंटें पड़े हुए हैं, इधर 2-3 हज़ार लग रहा है, इधर भी बहुत सारे ईंटें हैं, बहुत ही ज़्यादा ईंटें हैं, हमको तो कभी कभी लग रहा है 10 हज़ार के लगभग ईंटें हैं यहाँ पर। यहाँ एंट्री करेंगे और आपको अब अंदर की साइड दिखाने की ट्राई करेंगे कि अंदर में अभी कैसा कुछ बन रहा है या कुछ काम अपडेट हुआ भी है या नहीं। अभी जब मैंने इंटीरियर के अंदर मतलब एंट्री करा तो इंटीरियर में अभी भी काम देखो, जिस टाइम मैं आया था फर्स्ट टाइम आपको वीडियो मैंने दिखाया था, तो ये बेस स्ट्रक्चर जो बांसों का है ये तैयार हुआ था, बस सामने दुर्गा पूजा का मंडप है जहाँ पे मेन स्थापना मतलब गर्भगृह जहाँ पर दुर्गा माँ की प्रतिमा रखी जाएगी। और अंदर की साइड उस टाइम पे सिर्फ बांसों का स्ट्रक्चर तैयार हुआ था और ये वेल्डिंग वाली काम मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वेल्डिंग वाला काम उस टाइम स्टार्ट हुआ था। और एक लेयर ये वेल्डिंग वाला काम है, उसके बाद आपको सेकेंड लेयर वहाँ पे देखो आगे कोने में दिख रहा है वेल्डिंग का लेयर, वेल्डिंग करा गया है बाहर की साइड। और अंदर से देखो ये जो छेद छेद दिख रही है ना, यहीं पे लाइट्स लगाई जाएंगी, लाइट्स यहीं पे तैयार होंगे। और उसके बाद आपको चीज़ें जो देखने को मिलेंगी वो है अंदर से ये जो कार्डबोर्ड का तैयार हो रहा है, कार्डबोर्ड के ऊपर ही सारी की सारी लाइटनिंग्स की वर्क करी जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा देखने को अंदर इंटीरियर, मतलब इंटीरियर बहुत ज़्यादा ऊँचा है, हाई ऊपर तक है यार, क्या देखने को मिलेगा ये चीज़ें सारी नहीं समझ आ रही, बहुत ज़्यादा ऊपर तक मतलब लगभग 35-40 फुट से प्लस ही है, और वहाँ तक पूरा इंटीरियर तैयार करा जाएगा। और शायद ये बेस स्ट्रक्चर मैंने जब उनसे पूछा था एक बार, जो वेल्डिंग के मतलब हेड मिस्त्री थे उनसे मैंने पूछा था कि यहाँ पर क्या करा जाएगा, तो अंदर में उन्होंने बताया था मुझे कि ये बांसें खोल दी जाएंगी, बट ये बांसें अभी भी अंदर है देखने को मिल रही है। अब ये जो प्लाईवुड का काम है शायद पूरा का पूरा चारों तरफ से, और उसके बाद उस पर लाइटनिंग्स की वर्क पूरी कंप्लीट करी जाए, उसके बाद देखते हैं, अपडेट्स आगे आती रहेंगे चैनल पर। গমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে, ঠাকের পিঠে পড়ল কাটি পুজো হোক জমজমাটি, নতুন সাজে সেজেছে আকাশ, मिलते हैं नेक्स्ट किसी लोकेशन पर किसी एक न्यू वीडियो के साथ और न्यू दुर्गा पूजा पैंडल के साथ। सो तब तक के लिए जय श्री राम।